किसी का पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, कई सात अटेम्प्ट ले लेता है, बहुत अनसर्टेनिटी है। मैं भी आईएएस के चार मेंस दे के आया था लगातार, मेरे मन में भी यही था, नहीं नहीं मास्टर वास्टर नहीं, बत्ती से नीचे कोई समझौता ही नहीं, बत्ती एम्बुलेंस की आई एक बार घर पे और कोई बत्ती नहीं थी, क्योंकि बीमार हो गए घर चलोगे कोई मतलब नहीं। वहां जाने के बाद क्या खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है, दिल्ली में रहना मतलब जेल है सच में। आप मुखर्जी नगर में रहो चाहे राजेंद्र नगर में रहो, इंग्लिश मीडियम वाले राजेंद्र नगर में रहते हैं और हिंदी मीडियम वाले मुखर्जी नगर में रहते हैं। दिल्ली के अंदर यही है, आप किसी को पूछना जो हिंदी मीडियम में तैयारी करने जा रहा है वो रहता है मुखर्जी नगर में, वहां सारे हिंदी मीडियम के इंस्टीट्यूट है, और जो इंग्लिश मीडियम के वो सब भुगत रहे हैं वहां राजेंद्र नगर में, वहां पे सारे इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूट है। राजेंद्र नगर फिर भी ठीक है क्योंकि वहां इंग्लिश मीडियम वाले साउथ इंडिया के लोग हैं तो थोड़ा पैसे वाले भी हैं, ठीक है। मुखर्जी नगर की हालत, धारावी जो है ना मुंबई की बस्ती, एक सुना है आपने स्लम, सबसे बड़ा स्लम दुनिया का, वैसी स्थिति हो रखी है वहां पे। वहां आप ये सफेद शर्ट पहन के निकलते हैं, शाम तक आते आते इसके ऊपर भी काली काली परत आ जाती है, इतना तो पॉल्यूशन है वहां पे। फिर वहां 4-4 साल रहना बहुत टेढ़ा काम है।